नींद नहीं आने का इलाज बिना दवाई से, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। काफी लोग हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और वो पूछते रहते हैं कि भाई हमको नींद नहीं आती है और चालू दवाई है, चालू दवाई बंद कैसे करना, क्योंकि चालू दवाई का डोज बढ़ते जा रहा है। उनके डॉक्टर उनको दवाई लिख के देते हैं और फिर वो दवाई, समझो एक गोली खा रहे 0.25 मिलीग्राम की या 5 मिलीग्राम की जो भी होंगी, फिर कुछ दिन के बाद में वो दवाई उतनी काम नहीं करती, वो मिलीग्राम की, फिर वो बढ़ाना पड़ता है। 5 मिलीग्राम यदि कोई डाइजीपाम खा रहा है तो उसको 10 मिलीग्राम खानी पड़ती है, या 0.25 मिलीग्राम अल्प्राजोलम खा रहा है तो उसको 0.5 मिलीग्राम अल्प्राजोलम खानी पड़ती है वही इफेक्ट आने के लिए। तो फिर लोग उसके एडिक्ट बन जाते हैं, ड्रग एडिक्शन हो रहा है। 0.25 मिलीग्राम की अल्प्राजोलम की गोली टनों में बिकती है इंडिया में, टन। कितनी रोशी गोलियां जाती होंगी, कितने लोग खाते होंगे ये गोली। इतने लोगों को परेशानी है नींद की, किसको नींद लगती नहीं है जल्दी और वो बेड के ऊपर टॉसिंग करते रहता है, इधर से उधर उधर से इधर करवटे बदलते रहता है, या फिर किसको डिस्टर्ब स्लीप होती है, बीच बीच में जागा जाती है, या किसको बहुत सारे सपने आते हैं और फिर उसको लगता है कि अपनी नींद हुई नहीं, या किसको सुबह जल्दी जाग आ जाती है। और नींद का ऐसा है कि कोई भी बीमारी रहो, सबसे पहली खराबी जो आती है वो नींद में आती है। कोई भी टेंशन रहो, आपकी हालत ठीक नहीं है, कुछ भी हो जाए, सबसे पहली जो बात है वो होती है नींद, कि नींद बराबर नहीं है। और इसलिए जब हम मजाक से बोलते हैं कि जब ठंड का मौसम आता है और लोग हृदय लेके सोते हैं 8-8, 9-9 घंटे, तो मानसिक स्वास्थ्य लोगों का अच्छा हो जाता है नींद अच्छी होने से, और हमको पेशेंट कम आते हैं फिर उस समय। यानी हमारा स्लैक सीजन है अभी, ये जो दिसंबर जनवरी है स्लैक सीजन होता है, क्योंकि लोग अभी बहुत अच्छी नींद लेते, फिर सोते बहुत है और अच्छे हो जाते। तो फिर सवाल यह है कि कोई भी बीमारी रहो, शारीरिक बीमारी रही तो भी नींद खराब हो जाएगी, मानसिक बीमारी रही तो भी नींद पहले खराब हो जाएंगे। और कुछ लोगों को ना शारीरिक बीमारी है ना मानसिक बीमारी है, उनकी नींद नहीं आना बस इतना ही प्रॉब्लम रहता है, और वो सालों से है और वो गोलियां खाते रहते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि 5-5, 10-10 गोली रोज उनको खानी पड़ती है और उन्हें धीरे 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 वो डोज बढ़ाते गए। अब ये जब उनको हमारे पास में आते कि हमको ये गोलियां बंद करने का है और बिना गोली का हमको नींद के लिए इलाज करो, तो हम उनका वो भी करते हैं बिना गोली का नींद का इलाज। हम पहले सब उनको गोलियां बंद करवाते हैं और उनको हमारे हमको रिपोर्टिंग रोज करने के लिए बोलते हैं, फिर हमारे हॉस्पिटल में भर्ती होने को बोलते हैं। 2-3 दिन तकलीफ होती है, 2-3 दिन बिल्कुल नींद नहीं आती, फिर दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, और वो ऐसा करता है कि जैसा कुछ, क्योंकि उसको सीवियर विड्रॉल आ जाता है, बहुत घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है, नींद नहीं आना, ऐसा लगता है उसको कि नहीं अभी मैं पागल हो जाऊंगा। और फिर वो होने के बाद में हम उसको पूरा विड्रॉल, एक बार हो गया पूरा निकल गया विड्रॉल का इफेक्ट, बाद में उसको हम समय पे सोने के लिए बोलते हैं। समय पे सोना, समय पे उठना नंबर एक। रात का खाना जो है वो हल्का फुल्का खाना, बहुत ज़्यादा खाने का नहीं है। नंबर दो, रोज मेडिटेशन करना सम्मोहन के साथ में, विथ हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, जिसमें सूचनाएं देंगे सेल्फ हिप्नोसिस का, वो भी हम अलग क्लास लेते हैं, हम काउंसिलिंग करते हैं जब सिखाते रहते हैं, या हिप्नोटिज्म का हम वर्कशॉप लेते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं। तो उसमें मेडिटेशन करना, हिप्नोटिज्म करना, फिर रात को बेड के ऊपर जाने के बाद में बाकी कुछ नहीं करने का है, मतलब मोबाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप या फिर गूगल सर्च या कुछ कुछ भी नहीं, कोई मोबाइल में पिक्चर देख, कुछ भी नहीं करना है। बेड जो है वो सिर्फ दो काम के लिए वहाँ पड़ने का, एक है नींद के लिए और दूसरा सेक्स के लिए। तो बेड पे बाकी कोई काम नहीं करना। एकदम बहुत ज़्यादा जब नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तभी बेड के ऊपर सोने को जाना, तब तक पढ़ते जाना। और पढ़ना क्या, पढ़ना कोई ऐसी मतलब कॉमिक्स पढ़े तो अच्छा है, या ऐसी कोई मतलब पढ़ाई की किताब कोई पढ़ते हैं कि जिससे ज्ञान मिलता है वो, या फिर कोई मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते रहते हैं, या कोई मतलब ऐसी ऐसी बुक्स की जो बुक्स से आपको कुछ ना कुछ नई एक्शन दिखेंगी या मोटिवेट हो जाएंगे या इंस्पायर हो जाएंगे, ऐसी बुक, तो ऐसी बुक पढ़ने का है। और जब बहुत ही नींद आ जाएंगी तब सोने को जाने का है। रात में दूध लेके, ठंडा दूध लेके, या ऐसा लुकवाम, थोड़ा सा हल्का सा गर्म,
दूध लेके सोने का है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, स्नान करके सोए तो अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को स्नान करके भी अच्छी नींद आती रहती है। ये सब होने के बाद में हम देखते हैं उनको लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ में कहाँ टेंशन है, कहाँ फटका बैठा है, पैसे का बहुत लॉस हो चुका है, क्या प्रेशर है, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ पीपल, स्ट्रेस टेंशन लोगों की वजह से है, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, शादी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सेक्स में क्या प्रॉब्लम है, आपसी संबंध घर में या आपसी संबंध बाहर कैसे हैं, फाइनेंशियली कितना लोन आंग पे है, मतलब क्या हो रहा है भाई, बहुत लोन है, लोन नहीं फेड़ पा रहे, लोग मांगने आ रहे पैसे, ऐसा हो रहा है, तो क्या हो रहा, क्या है स्ट्रेस, इनऑथेंटिसिटी क्या है, अप्रामाणिकता, वे क्या छुपा रहे, सरकार से क्या छुपा रहे, लोगों से क्या छुपा रहे, अपने आप से क्या छुपा रहे, तो अप्रामाणिक तरीके से उसे नींद नहीं आती। तो इस तरह से हम जब उसको पूरा देते हैं क्वेश्चनेयर छुड़वाने के लिए, और वो छुड़वाने के बाद में हमारे पास में उसकी पूरी कुंडली आ जाती है टेस्ट देने के बाद में, और वो टेस्ट देने के बाद में फिर हम उसको काउंसिलिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम ऑनलाइन करेंगे कोचिंग, ठीक है बहुत अच्छा है, ऑनलाइन कोचिंग करो या ऑनलाइन काउंसिलिंग करो, या फिर कुछ लोग हमारे यहाँ के रहते हैं और फिर यहाँ रह के इलाज करते हैं, फिर हम उनको संबोधन सिखाने के बाद में, सेल्फ हिप्नोसिस सिखाने के बाद में फिर घर जाके वो रेगुलरली सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। सोर्स यदि मालूम हुआ, नींद नहीं आने का सोर्स क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या टेंशन है, क्या इनकम्प्लीशन दिमाग में बैठे हुए है, कहाँ कहाँ वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कहाँ कहाँ द्वेष मत्सर गुस्सा खुन्नस बैठी हुई है दिमाग में, सब देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है। ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑथेंटिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो यदि हम करते हैं तो नींद का प्रॉब्लम ही लोगों को आएगा नहीं। आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं या फिर यहाँ आके रह सकते हैं, और ऑनलाइन काउंसलिंग से कोचिंग से लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहाँ हम रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा लोगों को भर्ती करके उनका इलाज करते रहते हैं। हमारा जो मिशन है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम होंगी और उनकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, उनको नेचुरल नींद आएंगी और हमारे मिशन में आपकी भी पार्टनरशिप हो जाएगी। बेल आइकॉन जो आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।